हेलो फ्रेंड्स, आकाश दिसाई, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल स्काई डायरी स्पीक्स। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर सेकेंड, ओसीएम, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये जो आंसर आपको हम डिस्कस कराएंगे अभी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम में ये चैप्टर अराउंड 20 मार्क्स के लिए आ जाता है, तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, सॉरी ये क्वेश्चन आता है। आंसर विल बी द वन, क्या होगा सर? ये ऑल पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स है, सभी पॉइंट्स कॉमन पॉइंट्स है। सब हमने सब क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी करने के बाद ये एक फाइनल आंसर बना है। जरूरी नहीं कि आप 10 के 10 पॉइंट्स लिखो। सर वापस एक बार मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आपको लर्न करना है, हमारे पास अलग से भी यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है। देखिए, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो आप बोलोगे कि नहीं यही करना है क्या, तो ऐसी कोई बात नहीं, आप ये वाला भी आंसर पढ़ सकते हो। इट इज टोटली अप टू यू, बराबर। ये हमारा नोट्स है, ये नोट्स में हर एक का प्रॉपर आंसर आपको दिया है, राइट। डिस्टिंग्विश हो इंपॉर्टेंस ऑफ मीनिंग के साथ एंड उसके इंपॉर्टेंस के साथ, प्रॉपर कोड वर्ड के साथ ही मिलेगा, बराबर। बट मैं चाहता हूँ कि उन बच्चों का भी काम हो जाए जो लिखना चाहते हैं, बट ये सब आंसर वो याद नहीं कर पाते, ठीक है। तो एक कॉमन आंसर, मैं उसको भगवान आंसर कहता हूँ, आपको लिखोगे तो मार्क्स बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, मार्क्स पूरा भी मिल सकता है, ठीक है। तो आप बोलोगे ये क्या हमारे लिए मतलब कुछ गलत काम कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं है, आप ये आंसर एग्जाम में बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। यस, और जिन्होंने लिखा है उनको मार्क्स मिला है, ठीक है। देखिए, फर्स्ट कलर चेंज कर दो आपके लिए। देखो, बिल्ड्स कॉर्पोरेट इमेज, आपको लिखना कैसे, डैश हेल्प्स टू बिल्ड कॉर्पोरेट इमेज। तो यहाँ पे क्या लिखना है सर, ये डैश के यहाँ पे, प्लानिंग हेल्प्स टू बिल्ड कॉर्पोरेट इमेज, ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स टू बिल्ड कॉर्पोरेट इमेज, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जो क्वेश्चन होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग आता है तो प्लानिंग लिखो, ऑर्गेनाइजिंग तो ऑर्गेनाइजिंग लिखो, राइट। जैसा क्वेश्चन है वैसा रहेगा। सर नेक्स्ट पॉइंट इज योर रिड्यूस वेस्टेज, आप बताओ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब वेस्टेज रिड्यूस करने के लिए मदद करता है कि नहीं? यस, तो ये अप्लाई होगा। ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज, ये जो फंक्शन है मैनेजमेंट के, उनकी वजह से रिसोर्सेज का हम लिमिटेड, ऑप्टिमम जितना जरूरी है उतना यूज कर पाएंगे, तो ये आ जाएगा। मोटिवेशन, इनकी वजह से मोटिवेशन हमारे एम्प्लॉयज को मिल सकता है, चलेगा, पर वैसे भी अप्लीकेबल टू एवरीवेयर, सब डिपार्टमेंट्स पे अप्लाई होता है। क्रिएटिव होता है, लीड्स टू हायर एफिशिएंसी, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ग्रुप एक्टिविटीज से होता है वो सब, हेल्प्स टू अचीव द कॉमन गोल, राइट। ये सब चीजें आपका एक आंसर में बनेगा, ये 10 पॉइंट्स को यूज करके, ठीक है। आप कैसे याद करोगे, जो भी यहाँ पे लिखा है, जहां पे भी हमने वो डैश लिखा है, राइट, वहां पे आपको वो पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को मेंशन करना है। देखो, जरूरी नहीं वही हो। देखो अभी क्रिएटिविटी, डैश इज अ क्रिएटिव प्रोसेस, प्लानिंग इज अ क्रिएटिव प्रोसेस, आगे का आप कंटिन्यू करोगे, राइट। लीड्स टू हायर एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इज द रिलेशन बिटवीन कॉस्ट एंड टाइम, डैश यहाँ पे जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन है वो आपको लिखना है, ठीक है। आई होप जो मैं चीज आपको बोल रहा हूँ वो क्लियर हो रहा है। सर यही करना है क्या? नहीं, आप कर सकते हो, हमने अच्छे से नोट्स बना के दिया आपको, जरूरी नहीं कि ये सिर्फ एक ही, सबका अलग से नोट, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग साइड में कोड भी, ठीक है। बट ये भी करते हो, राइट, अगर एंड मोमेंट में रिविजन के लिए, तो भी ये आपसे, ये करोगे तो भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है। आई होप ये आपके लिए यूजफुल होगा, एक बार ट्राई करके देखना जरूर। आप अगर ये भी एग्जाम में लिखते हो, यस, जरूर मार्क्स मिलेगा। पॉइंट्स एक बार चेक करना, अगर मैंने एकदम से पॉइंट्स अगर चेंज किए रहेंगे तो ये आंसर गलत है, बट आप अगर क्रॉस चेक करोगे, हम क्या, मैं ऐसे ही बैठ गया और 2 मिनट में आंसर बना लिया, ये नहीं होता है, इसमें टाइम जाता है, बराबर ही नहीं। तो आप प्लीज इसको स्टडी करो, ये भी करते हो, देन ऑल्सो इट इज इनफ, ठीक है। बट फिर भी आपको अगर कुछ डाउट्स है, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, और ये एफर्ट अगर आपको सच में वर्थ लगे तो आप जरा वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड सभी चीजें अप टू डेट एंड प्रॉपर भी है, आपका हमारा नोट्स ले सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड।